कैसे चला रहा है यार, सो रेकलेस। ये शटर इतना हिल क्यों रहा है? स्ट्रेंज। पुलिस की धमकी मुझे मत दे, समझा? स्कूल के बच्चे का सामान है इसमें, कोई गैर कानूनी सामान नहीं ले जा रहा हूँ। हाँ तो खोल कर दिखाता क्यों नहीं है? हाँ देख देख क्या है इसमें, स्कूल का सामान भरा है, हो गई तसल्ली? अरे क्या हुआ? अंदर अंदर औरत कैसे आई? हद है, ये अंदर घुसी कैसे? घुसी नहीं, बेहोश पड़ी है। क्या चक्कर है बताओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे साहब, अरे मैंने अभी सामान इसमें रखा था, लेकिन ये औरत अपनी बेटी के कपड़े और खाना भिजवा रही थी मुझसे। मैंने खाना रखा था, लेकिन ये अंदर कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता। जरूर कोई गड़बड़ है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। अरे साहब, अरे रुको रुको, पहले इसको होश में लाने की कोशिश करो। यदि ये होश में आएगी तो सब पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। ये जिंदा तो है ना? देख लीजिए। चलो मेरी मदद करो। मंगल की बच्ची, फिर से मेरी सारी कोशिश बेकार कर दी उसने। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अब अभी इतना सब कुछ सहकर आई हैं, इतनी चोटें लगी हैं आपको, इस हालत में आप खड़े होकर हम सबके लिए खाना बनाती तो मेरा गिल तो मुझे खा ही जाता। इस वक्त आपको आराम की जरूरत है, और यही बात ये बाहर के खाने की, सो डोंट वरी, आई एम क्वाइट यूज्ड टू इट नाउ, सो चिल। चिली तो कर रहा है तू, मजे से बैचलर बनकर घूम रहा है। हाँ हाँ, जिन लोगों की शादी हो जाती है ना, वो हम जैसे बिचारों की इसी तरह से टांग खींचते हैं। जरा खुद को देख, क्या नहीं है तेरे पास? इतना अच्छा घर है, बच्चे हैं, घर का खाना है, और तो और ऑफिस का स्ट्रेस भुलाने के लिए घर पर प्यार भरा माहौल है। हाँ तो कर लेना शादी, किसने रोका? घर के स्ट्रेस से भागने के लिए ऑफिस जाएगा तू? वैसे आदित्य मजाक कर रहा है, पर बेटा सच में ही तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम इतने अच्छे दिखते हो, इतने बड़े घर से हो, अच्छी खासी नौकरी है, एक से बढ़कर एक लड़की के रिश्ते आ जाएंगे तुम्हारे लिए, और हम नहीं मानते कि अब तक तुम्हें कोई लड़की मिली ना हो। अगर अब तक नहीं मिली ना, तो अब तो पक्का मिल ही जाएगी। अम्मा और मंगल मिलकर यहाँ शादी की दुकान खोल लेंगे, और सस्ती सुंदर हो ना हो, लेकिन टिकाऊ बीवी जरूर मिल जाएगी। हाँ आप कहेंगे तो हम आपके लिए रिश्ता ढूंढ देंगे। अरे भाभी ये खादा ना मजाक कर रहे हैं, अब इसकी बातों में मत आइए प्लीज। अम्मा यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा, मैं वहां से जाकर बोलती हूँ, एक मिनट हटिए भैया। मंगल चप्पल मिल गई, ये लो। जी अम्मा। मनन जी कहीं नहीं दिख रहे। मैं आ गया भाभी। I'm so sorry, वो मेरा ऑस्ट्रेलिया से एक अर्जेंट फोन कॉल आ गया था, अंदर बहुत शोर था इसलिए मैं बाहर आके बात कर रहा था। एनीवे ये बताइए आपका काम हो गया? हमारा ही नहीं, आपका भी बड़ा काम हो गया, आप हमारे साथ मंदिर आए, महादेव जी का आशीर्वाद मिल गया आपको। क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि हमने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। Really? आप दोनों मेरे कमजोर नाजुक जज्बाती दिल के साथ मजाक तो नहीं करें ना? अच्छा भाभी ये तो बताइए कौन है वो, इसकी फोटो वोटो तो दिखाइए, कैसी है, क्या करती है वो? पंडित जी हमारी फैमिली तो नहीं है, लेकिन दूल्हा दुल्हन यहाँ है, मंगल सूत्र सिंदूर सब कुछ है,
और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भगवान यहाँ है हमें आशीर्वाद देने के लिए। मनन जी, एक बात कहूँ, आंटी और अंकल जी को मैं थोड़ा बहुत जितना भी जानती हूँ, मैंने इनकी बेटी से आपके रिश्ते के लिए सोचा, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि इनकी बेटी सौम्या जी है, जिनको मैं सालों से जानती हूँ। और अब तो मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि मैंने आपके लिए सबसे काबिल लड़की ढूंढी है। है ना अम्मा? बिल्कुल सही बेटा। और वैसे भी पढ़ी लिखी है, कमाती है, नौकरी करती है, बस इसकी शादी हो जाए तो समझो इसका संसार बस गया। आज सौम्या के 100 गुण नजर आ रहे हैं दोनों को। क्या करूं, जाकर रोक तो क्या इस ड्रामे को, पर कहीं अंकल आंटी ने ज्यादा सवाल जवाब कर लिया तो सौम्या और मेरा सर सबके सामने आ जाएगा, और अम्मा की पाकी नजर से बचना भी मुश्किल है। पता है, हम भी पारखी नजर रखते हैं और हमें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। बस एक कमी है हमारी लड़की में, हमारी लड़की को खाना बनाना नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, शादी के बाद आ जाएगा। हमारी मंगल को भी शादी से पहले खाना बनाना नहीं आता था, हमने हमारी मंगल को सब कुछ सिखाया। सौम्या भी सीख जाएगी, है ना सौम्या? और अगर सास नहीं भी है ना तो भी कोई बात नहीं, वो जो सब सासों की सास होती है ना, उसे देखकर आजकल की लड़कियां सब कुछ सीख जाती है। वीडियो पर मैं इतना जानती हूँ कि सौम्या जी बहुत मेहनती है, और जो ऑफिस इतनी बखूबी से संभाल सकती है तो घर तो संभाल ही सकती है। कैफे अमेरिकन? यस। अरे वाह, आप दोनों की तो चॉइस भी सेम है। आदित्य जी पता नहीं कहाँ रह गए, एक बार फोन कर लेती हूँ अम्मा। काट दिया, शायद बिजी होंगे किसी काम में। सौम्या जवाब दो यार, एक तो तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और अब अवॉइड कर रही है मुझे। डैम इट, बहुत दर्द हो रहा है जी। तुम्हारे कारण क्या क्या बर्दाश्त करूं मंगल। अरे जी, खाने में कुछ ऐसा नहीं था, सबने वही कहा है। तुम्हें जो करना था ना तुम कर चुकी हो, प्लीज जाओ यहाँ से। ये मूंग दाल की खिचड़ी है, पेट के लिए अच्छी रहेगी। मैं आपके लिए ना हींग का काढ़ा भी बनाकर लाती हूँ। तुम्हारे रहते कड़वा घूटी पीता रहता हूँ, जिंदगी से स्वाद ही निकल गया है। कुछ कहा क्या आपने अदित जी? चलो जाओ यहाँ से। मुझे याद आया, अम्मा ने कहा था कि मैं आपको बता दूं, शालिनी आंटी का फोन आया था अम्मा को, रविवार को ना रोका करने के लिए कह रही थी। तो मैं सोच रही थी कि घर में हंसी खुशी का माहौल होगा, और शाना की ट्यूशन टीचर भी रह चुकी है सौम्या जी, बिल्कुल दोस्त जैसी ही है, तो क्या हम ईशाना को घर बुला सकते हैं? सबको साथ में देखकर बहुत खुश हो जाएगी, और हम मिल भी लेंगे। घर पर कोई खास अवसर हो तो हॉस्टल वाले आने देते हैं ना, अम्मा भी बोल रही थी। बोल लिया तुमने, सब बना बनाया बर्बाद करने के लिए फिर खड़ी हो गई तुम। माफ करो यार, मेरी बेटी के पैसे ना तुम मुझ पर छोड़ दो, और कान खोल कर सुन लो, ईशाना घर नहीं आएगी।
उसे पढ़ाई करने के लिए भेजा है, शादी में नाचने गाने के लिए नहीं। और तुम भी ना मंगल, उछलना कम करो। सारे मोहल्ले की शादी करानी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और ये फीकापन लेकर जाओ मेरी लाइफ से, इसे खाकर ना मैं और बीमार पड़ जाऊंगा। मैंने सोचा था कि अपने दोस्त की सौम्य से शादी तय होने पर अदित जी खुश होंगे, पर ये तो और नाराज हो गए हैं। ऐसा क्या करूं कि इनका मूड ठीक रहे। अब देखना कितना मजा आएगा जब तुम भड़कोगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं मनन के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूं। हाँ जी अली, प्रोजेक्शन की मीटिंग और फाइल ही नहीं मिल रही। यहां सौम्या कहां हो तुम यार?